एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों आज हम बनाएंगे हरी मटर की चाट या ग्रीन पीस चाट। सर्दियों के मौसम में बहुत ताज़ी नई हरी मटर आई होती है और इसकी चाट बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैंने 1 किलो मटर लेकर छील दी है और दाने अलग कर दिए हैं। सर्दियों में इसे चाय के साथ में खाना बहुत अच्छा लगता है। 1 किलो मटर के दाने हैं, इसे हम कुछ मसालों और कुछ सब्जियों के साथ में बनाएंगे। तो मसाले देख लेते हैं। नमक, काली मिर्च ताजी कुटी हुई, चाट मसाला और टमाटर बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटी हुई, हरी धनिया बारीक कटी हुई और 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। इन सारी चीज़ों को देखिए अब हम कैसे बनाते हैं। ये लेमन, 1 नींबू का रस, लाल मिर्च सूखी हुई। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अंदर डालेंगे ये 1 सूखी हुई लाल मिर्च, इसका हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए बस। इसे फ्राई करेंगे, हल्का काला नहीं करेंगे। काला होने से पहले हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने मटर इसके अंदर ऐड कर दी। अभी इसे मिक्स करके इसे ढककर 3 मिनट तक पकाएंगे। बस उतना 3 मिनट इसे पकाने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये ताज़ी मटर है, बहुत नाजुक होती है, जल्दी से पक जाती है। इसे मैंने ढक दिया। देखिए, मैंने इसके अंदर कोई पानी नहीं ऐड किया, इसने अपना पानी छोड़ा है। ये इसी पानी में पकेगी, अब इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पानी सूखने तक हम इसे ऐसे पकाएंगे खुला रख के। ये देखिए, इसका पानी सूख गया। अब एक एक करके मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। मिक्स करेंगे। प्याज, टमाटर, थोड़ी थोड़ी प्याज और टमाटर बचा लेंगे। हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी। थोड़ी थोड़ी प्याज टमाटर हमने बचा ली है। नींबू का रस हमने निचोड़ दिया है इसके अंदर, और वो प्याज और टमाटर गार्निशिंग के लिए हमने बचा लिया है। हरी धनिया भी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। नींबू का रस मिलाने के बाद इसे चलाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला मिलाएं, कोई भी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो ज़्यादा चाट मसाला मिलाएं। इसे भी मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो नींबू का और टमाटर का मॉइस्चर आया है उसे सूखने तक पकाना है। इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसे ध्यान रखें कि ओवर कुक नहीं करना है। और ये चाट बन के तैयार हो चुकी है। हम इसे बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्विंग बोल में निकाल कर इसके ऊपर गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई टमाटर, प्याज, हरी धनिया की पत्ती और नींबू के वेजेस के साथ में। तो आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जब आप इसे बनाएं तो मेरे फेसबुक के पेज पर इसके फ़ोटोज़ क्लिक करके पोस्ट करें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।